वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू पोयम इन विक्टर्स इन इंग्लिश बाल भाटी टेक्स्ट बुक इन क्लास 9। सो लेट्स बिगिन अवर पोयम। अभी यहाँ पे इन विक्टर्स का मतलब क्या होता है, मतलब अनबीटेबल, मतलब हमें हिम्मत नहीं हारना। हमारे लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परेशानी आए, कितने भी सौरव आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है, हमें उनका डट के सामना करना है, हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी है। इन विक्टर्स का मतलब होता है अनबीटेबल, मतलब हमें कभी भी हार नहीं माननी है, हमें कभी भी गिव अप नहीं देना है। सो लेट्स बिगिन अवर पोयम। इस पोयम में जो पोएट है क्या कहना इस पोयम में जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोयम। Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. अभी यहाँ पे जो night एक अंधेरी रात है जो मुझे किसमें परेशान की है, बहुत ही एक रात है जो मुझे हमेशा एक ऐसी रात है जो मुझे हमेशा परेशानी मुसीबतें में घेरी हुई है। आई थैंक वट एवर गॉड्स में भी, मतलब मैं गॉड का फिर भी शुक्रिया करता हूँ कि गॉड मुझे भी किसी भी हालत में रखा है, जिस कंडीशन में रखा है, जो भी मुझे दिया है, मैं उस अपने गॉड अपने भगवान का शुक्रिया करता हूँ। फॉर माई अनकोरेबल सोल, मतलब जो मेरी आत्मा है उसे मैं कभी भी लेट डाउन करने नहीं दूंगा, कभी भी झुकने नहीं दूंगा, चाहे कितनी भी जिंदगी में परेशानी आए, मुसीबतें आए, मैं अपने आप को कभी भी गिव अप नहीं करने वाला हूँ। तो इस पोयम में जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी परेशानी आती है, जैसे भी उतार चढ़ाव आता है, हमें उसका डट के हिम्मत से मुकाबला करना है। अगर हम अपने आप को अदम गिव अप कर देंगे, अपने आप को सरेंडर डाउन कर देंगे, हिम्मत हार जाएंगे, तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो इस सेकेंड सेंटेंस में पोएट क्या कहना चाहता है, इन द फेल क्लच ऑफ अ सरकमस्टेंस आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड अंडर द ब्लड गिविंग ऑफ चांस माई हेड इज ब्लडी बट अनबो। अभी यहाँ पे सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है, सेकेंड स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहता है इस लाइन में, इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टेंस, मतलब मेरी जिंदगी में है सारी परेशानी से भरी मुसीबतें, सब भी परेशानी आ रही है, मैं एक परेशानी में उलझा हुआ हूँ। आई हैव नॉट विंसेड और नॉर क्राई अलाउड, लेकिन इतनी परेशानी इतनी दुखों के बाद भी मैंने अपने सर को झुकाया नहीं, ना ही जोर से रोया हूँ। Under the blood yearning of chance, my head is bloody but unbow, मतलब मेरे सर पे क्या, मतलब लोग, मतलब ऐसा मेरे सर पे ऐसे क्या है, ब्लडी, मेरा हेड पूरा खून से भर गया है, मतलब कैसे मुझे बहुत परेशानी, लोग जैसे किसी को इस पोएम में क्या कहना चाहता है, जैसे मुझ पर बहुत जुल्म हुआ है, मुझे मैं बहुत मार खाया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को, मैंने अपना सर झुकाया नहीं है। Beyond this place of worth and tears looms but the horror of the shed and yet the menace of the year finds and shall find me unafraid, मतलब यहाँ पे जो मेरी लाइफ में जो परेशानी आई है, मुसीबतें आई है, मैं आंसू में डूबा हूँ, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी परेशानी मुसीबतें से डरने वाला नहीं, उसके बावजूद भी इन कंडीशन में मैं अपने आप को अनअफ्रेड साबित करना चाहता हूँ। मैं इतनी, मतलब अपनी लाइफ में जो मेरी लाइफ में परेशानी आई है, मुसीबतें आई है, दुख दर्द तकलीफ आए हैं, उसके बावजूद भी मैं अपने आप को झुकने वाला नहीं हूँ, मैं अपने आप को लेट डाउन कभी भी झुकने नहीं दूंगा, और मैं इस कंडीशन में भी अपने आप को अनअफ्रेड दिखाई दूंगा, मतलब ना डरने वाला दिखाई दूंगा। इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट हाउ चार्ज विद द पनिशमेंट द स्क्रोल आई एम द मास्टर ऑफ माई फैट आई एम द कैप्टन ऑफ माई सेल्फ कैप्टन ऑफ माई सेल्फ इट मैटर्स हाउ नॉट हाउ स्टेट द गेट हाउ चार्ज विद पनिशमेंट द स्क्रोल आई एम द मास्टर ऑफ माई फैट आई एम द कैप्टन ऑफ माई सेल्फ कैप्टन ऑफ माई सोल आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। अभी सोल हम किसको बोलते हैं, हमारी जो आत्मा, फैट यानी हमारी किस्मत। तो यहाँ पे जो भैया है लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाह रहा है कि अगर मेरी ज़िंदगी में अगर परेशानी आई, मुसीबतें, दुख दर्द तकलीफ आई है, अगर वाकई मैं इसके ज़िम्मेदार हूँ, वाकई मतलब तो इसका खुद ही मैं ही ज़िम्मेदार हूँ, मैं किसी और को दोषी नहीं कराने वाला कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में परेशानी आई, तुमने मुझे दुख दिया, तुमने मुझे तकलीफ दी, मतलब मैं भी जो भी मेरी लाइफ में परेशानी आई, मुसीबतें आई हैं, तकलीफ आई है, उसका मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ, मतलब अगर ये पनिशमेंट मुझे मिलती है तो ठीक है, मैं खुद ही इसे एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। आई एम द मास्टर ऑफ माई फैट आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, मतलब मैं अपनी
जिंदगी का, मेरी जिंदगी में अच्छा हो रहा बुरा हो रहा उसका जिम्मेदार कौन है? हूँ मैं हूँ। अब मेरा जो फैट है, मेरी जो किस्मत है, उसका जो राइटर है गॉड है, और भगवान मेरे लिए अच्छा ही करेगा। आई एम द कैप्टन ऑफ माई सॉल, मतलब अपनी लाइफ में जो मेरे परेशानी आ रही है उसका जिम्मेदार कौन है? मैं ही हूँ। मैं किसी और को दोषी नहीं कहलाना चाहता हूँ। तो इस पोएम के जो राइटर है वो कौन है? बाय विलियम अर्नेस्ट हेनली। कि उन्होंने इस पोएम में क्या कहना चाहता है? इनविक्टस, मतलब इस पोएम में जैसे हमें कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगी में किसी भी, हम कुछ भी बनना चाहते हो, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी किसी भी करियर को चाव करना चाहते हैं, या हमारी लाइफ में ऐसी भी परेशानी आती तो हमें उसे डरना नहीं है, अपने आप को गिव अप नहीं करना, लेट डाउन नहीं करना, किसी और को कसूरवार नहीं रहना है। हमें उस मुसीबत से एक सॉल्यूशन निकालना है, एक प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट निकालना है, ताकि हम अपनी परेशानियों से बच सकें। और हर इंसान की लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहता है, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं, हमें उसके अपने हिम्मत से, हौसला से मुकाबला करना है। तो शैल वी रीड दिस पोएम वन मोर टाइम? सो लेट्स रीड। इनविक्टस, आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, ब्लैक एज पिट फ्रॉम पोल टू पोल, आई थैंक व्हाटएवर गॉड्स मे बी फॉर माय अनकरप्टेबल सोल। इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टेंस, आई हैव नॉट विंस नॉर क्राय अलाउड, अंडर द ब्लू गिवनिंग ऑफ चांस, माय हेड इज ब्लडी बट अनबो। Beyond this place of warmth and tears looms but the horror of the shed, and yet the meanings of the years find and shall find me unfret. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the soul. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. अभी हम इस पोएम के मीनिंग भी जरा देखेंगे क्या है। इनविक्टस यानी अनकंपेयर, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, हमें अपने आप को कभी भी झुकाना नहीं है। पिट यानी लास्ट डीप होल इन द ग्राउंड, मतलब लास्ट डीप है, लास्ट डीप होल इन द ग्राउंड। व्रत यानी एंगर, मतलब गुस्सा। फाइल क्लच विकेट ट्रैप, मतलब एक बुरी तरीके से फंसाना। एंड ब्लड यूनिंग यानी वायलेंट बीटिंग विद अ क्लब, मतलब किसी को मारना। विंस यानी जर्क विद अ पेन, मतलब एक तकलीफ देना। मीनेंस यानी थ्रेट। लूम्स हैंग्स ओवर हेडेड। तो इस पोएम में आपने कैसे देखा कि अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती है, मुसीबतें आती है, तो आपको उससे डट के मुकाबला करना, आपको हिम्मत नहीं हारना है।